भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? फटाफट आ जाओ यार, कम फास्ट बॉस, जल्दी आ जाओ। लुसेंट में तुगलक वंश 1358? नहीं बेटा, नहीं, दीपांशु, जो मैंने लिखवाया तुम उसी को कंटिन्यू करो। जो मैंने करवाया है आप उसी को ही क्या है कंटिन्यू कीजिए। और बताइए जरा क्या हाल चाल है। शाबाश, कम फास्ट, जल्दी जल्दी आ जाइए, चीजों को शुरू करेंगे बड़े ही बढ़िया तरीके से। भाई मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं आखिरी क्लास में बाबर को पढ़ाया गया था, आखिरी क्लास में बाघ को पढ़ाया गया था, है ना? बाबर का मतलब ही क्या होता है? बाघ होता है। और आज की क्लास में हम लोग आगे की कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग कुछ और अच्छे से चीजों को कवर कर पाएंगे। ध्यान रखना, आगे से क्या है हम कुछ और चीजों को यहां पर क्या है कवर अप कर पाएंगे, और बड़े ही अच्छे ढंग से क्या है हम यहां पर चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। मुगल डायनेस्टी को समझिए आप लोग, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश सर, 2 दिन का पीडीएफ नहीं मिला, अभी ग्रुप में जाके चेक करो, भेज दिया है। अभी ग्रुप में जाके चेक करो, भेज दिया। एक बार जरा शेयर ठोको फटाफट और जय हिंद लिखो। शाबाश, एक बार जरा शेयर ठोको और फटाफट क्या है जय हिंद लिखो। भाई दिल्ली सल्तनत पूरा करा चुका हूं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है दिल्ली सल्तनत पूरा करवा चुका हूं। आप पीडीएफ क्यों नहीं देते हो? दे तो दिया भाई, जाके चेक तो करिए, गो एंड चेक इट आउट। वहां पर जाकर आप चेक तो करिए, आपको पता चल ही जाएगा बच्चे, आपको वहां पर क्या है आपको वहां पर पता चल ही जाएगा। चलो भाई सब लोग एक बार लाइक और शेयर कर दो, फिर आ जाओ मैदान में। कल की क्लास कैसी रही? अभी कोई रिजल्ट अपडेट नहीं है यार, झूठी बातों पर तो विश्वास है नहीं, बाकी फिलहाल के लिए कोई रिजल्ट अपडेट मेरे सामने नहीं है। नो रिजल्ट अपडेट टिल नाउ, देर इज नो रिजल्ट अपडेट टिल नाउ। मनीष कुमार, जाके टेलीग्राम ग्रुप चेक कीजिए, वहां पर आप लोगों को भेज दिया गया। चलो वापस आ जाओ भाई, कल मैंने बाबर को हिंदी में पढ़ाया था, एक बार क्विक रिवीजन बाबर का अंग्रेजी भाषा में भी, एक बार क्या है क्विक रिवीजन बाबर का, किसमें? बाबर का अंग्रेजी भाषा में भी क्या है एक बार क्विक रिवीजन। आइए जरा बाबर का एक बार क्या करते हैं बच्चों, क्विक रिवीजन करते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ध्यान रखना नाम था जहीरुद्दीन, ये एग्जाम में पूछा गया है। 1483 में जन्म हुआ फरगना में, फादर का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खान। माता चंगेज खान से बिलोंग करती थी, पिता यहां पर बिलोंग करते थे तैमूर से, दोनों की मिक्स ब्रीड था, इसीलिए इनको कहा गया चगताई। 1507 में पहली बार बाबर खुद को पादशाह कहता है, और यही पादशाह बाद में बादशाह बन जाते हैं, ध्यान रखना यही पादशाह क्या है बाद में बादशाह बन जाते हैं। 1494 मात्र 11 साल की उम्र में क्या है फरगना को जीत लिया, और 1504 में क्या है काबुल को जीत लिया। ध्यान रखें क्या है यहां पर काबुल को जीत लिया है। बाबर एक्सपेडिशन पहला, दैट मींस एक्सपेडिशन गया भारत में बाजोर में 1519 में, पहला एक्सपेडिशन वापस चला गया। दूसरा 1519 में दोबारा आया, खैबर दर्रे से होते हुए पेशावर तक पहुंच गया, लेकिन फिर से क्या है फिर से वापस चला गया। 1520 में आया सियालकोट तक, अगेन वापसी। 1524 में आया लाहौर जीत लिया, और भाई पांचवे में 1525 में आया और पंजाब को कंट्रोल कर लिया। यहां पर क्या है पांचवे में क्या है पंजाब को कंट्रोल कर लिया, और 1526 में क्या है पानीपत के युद्ध में आ गया, किसमें आ गया पानीपत के युद्ध में आ गया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यहां पर ध्यान रखना बैटल ऑफ खानवा अगले ही साल होता है, यहां पर राणा सांगा को हरा दिया। ध्यान रखना
और यहां पर क्या मिला इसको, गाजी कहा गया। यहां पर क्या कहा गया इसको, यहां पर गाजी इसको ध्यान रखना कहा गया था। अपने धनुर्धर मतलब दो बहुत कमाल के तोपची थे इसके पार, उस्ताद अली और मुस्तफा उस्ताद अली, इन दोनों के दम पर क्या है ये युद्ध जीतता है। और यहां पर क्या कहा गया इसको, गाजी। हारने वाले युद्ध को ये जीत गया था। चंदेरी में ध्यान रखना बहुत सारे, यहां पर एक तरीके से बता दूं, यहां पर मदनी राय को हरा दिया गया रातों ही रात। ध्यान रखना हजारों राजपूतों का कत्ल कर दिया गया था बाबर के द्वारा इस युद्ध में, हजारों राजपूतों को मारा गया था। घगरा 29 में होता है। यहां पर क्या है, अफगानों में फिर से दुश्मनी बढ़ती है और यहां पर महमूद लोधी जो कि यंगर ब्रदर था इब्राहिम लोधी का, यहां पर उसको हरा दिया और बंगाल भी क्या है अपने कब्जे में ले लिया। यहां से क्या है बंगाल को भी क्या है वो अपने कब्जे में ले लेता है। ध्यान रखना यहां से क्या है वो, यहां से वो बंगाल को भी क्या है अपने कब्जे में ले लेता है। और अफगानों से शुरू हुई दुश्मनी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी को वो हराता है। आप लोग जानते हैं पानीपत के युद्ध में, उसके बाद यंगर ब्रदर था जो इब्राहिम लोधी का, उसका नाम था महमूद लोधी। यहीं से ऐसा मानते हैं कि दोनों में, अफगानों में और मुगलों में जबरदस्त दुश्मनी पैदा होती है और उस दुश्मनी का अंत कौन करता है, शेर शाह सूरी, जो कहता है कि अल्लाह ने साथ दिया तो खुदा की कसम भारत से मुगलों का इतिहास मिटा देंगे। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत हुमायूं प्रेजेंटेड बाबर द फेमस डायमंड कोहिनूर। ध्यान रखना हुमायूं यहां पर क्या है इसको फेमस डायमंड देता है। ध्यान रखना जो किससे लिया गया था, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर से लिया गया था और इनको देता है। बाबर वॉज प्लीज विद द परफॉर्मेंस ऑफ हुमायूं and return diamond to him along with 70 lakh of dams as a reward. उसको वापस दे दिया। और ऐसा मानते हैं बाबर का सबसे बड़ा लड़का कौन था, ये हुमायूं था, ये ज्येष्ठ पुत्र ही सबसे बड़ा लड़का था और बाद में हुमायूं को ही क्या है उत्तराधिकारी बना दिया। किसने, बाबर ने बाद में उत्तराधिकारी। ये कल की बातें मैं तुमको रिवाइज करा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम कल हो नहीं पाया था। तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबर नामा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बाबर नामा। ध्यान रखना यही बाबर नामा पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किसने की थी, अब्दुल रहीम खाने खाने की। किसने की, यहां पर अब्दुल रहीम खाने खाने की थी। इसको जरूर तुम ध्यान रखना, क्या है अब्दुल रहीम खाने खाने इसको ट्रांसलेट किया था। और इसी किताब में बाबर लिखता है हिंदुस्तानी लोग मरना नहीं, हिंदुस्तानी लोग लड़ना नहीं मरना जानते हैं। ध्यान रखना ये कुछ बातें थी बाबर के बारे में। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और उसको आरंभबाग में पहले, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसको काबुल में उसकी समाधि है। ध्यान रखना तीन मुगलों की समाधि देश से बाहर है, तीन मुगलों की टॉम्ब है वो देश से बाहर है। पहला बाबर है, ध्यान रखना, जिसको कहां दफनाया गया, जिसको अफगानिस्तान के काबुल में। उसके बाद जहांगीर है, ध्यान रखना, जिसको लाहौर में। और तीसरे व्यक्ति का नाम है बहादुर शाह सेकंड, जिसको आप बहादुर शाह जफर बोलते हो। उसको 1857 के टाइम में क्या है म्यांमार के रंगून में क्या है उसको दफनाया गया था। इन तीनों मुगलों की समाधि क्या है बेटा, देश से बाहर है। क्या है, तीनों की समाधि यहां पर क्या है, यहां पर देश से बाहर है। मैं सब लोगों को नमस्कार करता हूं, सौरभ, गोविंद, वीके धोरे, सूरज ठाकुर, शिवांशी, शिवानी कुशवा। रागा की क्लास कब करेंगे स्टार्ट, थोड़ा सा समय दे दो, रागा को भी निपटा देंगे। ठीक है, हर चीज आप लोगों के लिए है, हर चीज क्या है यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और बहुत ही शांति से आप लोगों को एक कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि बाद में आप लोगों को समस्या ना आए। अब जरा चलते हैं आगे, मुगलों की स्थापना को कल मैंने पढ़ाया था, आज बारी है हुमायूं को पढ़ने की। आखिर हुमायूं के समय में मुगलों की सल्तनत में क्या चल रहा था, हुमायूं ने क्या क्या किया। वैसे देखा जाए तो बाबर के चार लड़के थे, हिंदाल, कामरान, अस्करी और सबसे बड़ा लड़का हुमायूं, लेकिन वो बेहद ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। क्या था, बेहद ही आलसी और बेहद ही अंधविश्वासी व्यक्तियों में से कौन था, यहां पर हुमायूं था। ध्यान रखना क्या था, बेहद ही अंधविश्वासी व्यक्तियों में से कौन था, यहां पर हुमायूं था। ठीक है, और मैं जरा पढ़ाता हूं आपको हुमायूं के। महम बेगम उसकी माता का नाम था, उसी से कौन पैदा हुआ था, ध्यान रखना यहां पर पैदा हुआ था हुमायूं। ध्यान रखना
ठीक है, 12 साल की उम्र में ही उसे क्या है सूबेदार बनाया गया था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने चारों पुत्रों में से हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये चार लड़के कौन थे देख लो, हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल क्या थे, ये चार लड़के थे। ध्यान रखना यहां पर क्या थे, ये यहां पर क्या थे, ये यहां पर चार लड़के थे। ठीक है, इन सब में बड़ा हुमायूं था और बाबर ने कहा था मेरे मरने के बाद चारों भाइयों में इक्वली क्या है राज्य को डिवाइड कर लेना, चारों भागों में क्या है इक्वली क्या है राज्य को डिवाइड कर लेना। यही काम हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद किया, लेकिन उससे इसको बेहद नुकसान हुआ क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं चल पाया। ध्यान रखना यहां पर आगरा में क्या है हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, 22 साल की उम्र में क्या है वो भारत का बादशाह बन गया था। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को भू प्रदेश प्रदान किया, जिसमें अस्करी को संबल मिला, हिंदाल को मेवात का मिला, कामरान को काबुल मिला और कंधार मिला। ठीक है, और कामरान ने क्या है लाहौर और मुल्तान पर भी क्या है कब्जा कर लिया, लेकिन चारों भाइयों में कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी जिसका लॉस हुमायूं को हो रहा था, और भाइयों में वो काबिलियत भी नहीं थी जो बाबर के अंदर थी, वो इन लोगों में काबिलियत नहीं थी। ध्यान रखना जो बाबर के अंदर थी वो यहां पर क्या है, वो यहां पर इन लोगों में वो काबिलियत नहीं थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे चलते हैं जरा, ध्यान रखना राज्याभिषेक के बाद हुमायूं को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे। बाबर मरने से पहले हुमायूं को बोलता है, क्योंकि महमूद लोधी को जब बाबर हरा रहा था तो शेरशाह सूरी जो पहले उसके सपोर्ट में था, परंतु बाद में शेरशाह सूरी को पता चल गया नहीं भाई इससे अगर लड़ूंगा तो बाबर मुझे भी मारेगा। उसने क्या कहा, मैं तो महमूद लोधी के साथ भी नहीं हूं, अरे मैं तो आपके साथ हूं। मतलब तुरंत पाला पलटा किसने, शेरशाह सूरी ने। और बाबर ने हुमायूं को कहा भी था कि तू इससे बच के रहना, इससे किससे, शेरशाह सूरी से बच के रहना, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए तैयार थे। ध्यान रखना, लेकिन हुमायूं ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उस तरफ यहां पर क्या है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे हुमायूं को समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली बात तो उसको खुद से ही कोऑपरेशन नहीं मिला, जिसका मतलब साम्राज्य का जो विभाजन किया था अपने भाइयों में वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी, प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी बात, बाबर ने बहुत सारा पैसा बांट दिया था और अपने सैनिकों में बहुत सोने चांदी के सिक्के बांटे, इसके लिए उसके पास रिवेन्यू भी नहीं था, बजट भी नहीं था उसके पास, यहां पर क्या है बजट भी नहीं था। राणा सांगा को मारने के बाद बाबर की दुश्मनी राजपूतों से भी हो गई थी, मतलब राजपूत दोबारा अपने आप को एक साथ इकट्ठा करने लग गए थे मुगलों से मुकाबला करने के लिए। दोबारा क्या है, मुगलों से मुकाबला करने के लिए राजपूत अपने आप को एक साथ इकट्ठा कर रहे थे, जो हुमायूं के लिए क्या थी, जो हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या, ध्यान रखना। और इस बार राणा सांगा का लड़का जिसका नाम रतन सिंह था, वो यहां पर क्या है दृढ़ निश्चय ले चुका था कि मौका मिलते ही मैं हुमायूं को देश से बाहर फेंक दूंगा, मतलब हम मुगलों का इतिहास ही समाप्त कर देंगे इस भारत की पृष्ठभूमि से। ये भी क्या समस्याएं थी हुमायूं के आगे। और अफगानों की समस्या तो पूछो मत, क्योंकि जब से उसने इब्राहिम लोदी को हराया था तब से अफगानी लोग उसके प्यासे हो गए थे, और उन सब में एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था शेरशाह सूरी, जो कि सबसे बड़ी समस्या थी। ये सारे के सारे अफगानी एक साथ हो गए, एक साथ हो गए महमूद लोदी को हराने के बाद, तो और भी क्या इन लोगों में एकजुटता यहां पर दिखने लग गई। और जो अफगानों का सपना था कि बाबर तो यहां से लूट के वापिस चला जाएगा, लेकिन वो सपना पूरा हुआ नहीं। ध्यान रखना, हुमायूं ने 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। ध्यान रखना, महमूद लोदी क्या है जौनपुर की तरफ बढ़ा, अतः कालिंजर के राजा रुद्रदेव से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर हुमायूं क्या है वापस आगरा लौट गया। 32 में दोरैया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के बीच में क्या युद्ध हुआ, युद्ध में महमूद लोदी क्या है यहां पर फिर से हार गया। अफगान बिल्कुल यहां पर क्या है इसके प्यासे हो गए भाई साहब, अफगानी लोग यहां पर क्या है बिल्कुल ही मुगलों के प्यासे हो गए हैं। ध्यान रखना यहां पर क्या है बिल्कुल ही क्या है मुगलों के प्यासे हो गए थे। 1532 में हुमायूं ने चुनार का किला घेर डाला, चुनार के किले को घेर लिया। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय, ध्यान रखना यह किला अफगान नायक शेरशाह सूरी के अधीन था,
चार महीने तक भाई साहब उसको घेरे रखा, जबकि हुमायूं को पता था कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन शेरशाह सूरी है, लेकिन उसको चार महीने तक घेरने के बाद भी क्या है, उसको छोड़ दिया। शेरशाह सूरी को यहां पर क्या है, यहां पर उसको छोड़ दिया। चार महीने लगातार समझौता हो गया। समझौते के तहत शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया। बदले में चुनार का किला शेर खां के अधीन छोड़ दिया। ये बात कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के दिल में बैठ गई थी कि मेरा एकमात्र सपना ही क्या है, इस मुगलों को भारत से बाहर फेंकना ही क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा सपना है। और इसी सपने को साकार करने के लिए शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम फरीद था, जिसने बचपन में ही एक शेर को मार डाला और बिहार का एक गवर्नर हुआ करता जिसका नाम था बहार खान लोहानी, उसने ही इसका नाम शेर खां रखा और उसके बाद में यही शेर खां शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो हमें बताइए जरा। शाबाश, कोई अगर डाउट हो तो हमें बताइए। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने में जो मजा आता है, सच कहूं तो किसी भी चीज में नहीं आता है। चलिए जरा चलते हैं उसके बाद। 1534 में बिहार के मोहम्मद जमान फिरजा, इसको बोलते सुल्तान मिर्जा, कि यहां पर क्या है, हुमायूं ने क्या उनको भी दबाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसने उसको छोड़ दिया। उसने यहां पर क्या, उसको छोड़ दिया। हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह सारंगपुर में संघर्ष हुआ। ऐसा माना जाता है कि मुगलों से संघर्ष के लिए बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया। हालांकि हुमायूं के खिलाफ बहादुर शाह की पराजय हुई और वह मांडू भाग गया। मतलब एक तरीके से लोगों ने खूब जोर लगाया हुमायूं को हराया जा सके, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ध्यान रखना, धीरे धीरे यहां पर क्या है, धीरे धीरे यहां पर क्या है, यहां पर आगे बढ़ता है। क्लियर है, चुनार के किले को जीतकर भी क्या है, वो आगे चलता है। ध्यान रखना, ये कुछ अभियान थे यहां पर। लेकिन इसी बीच बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेरशाह के बीच पहली बार युद्ध होता है 1539 में, बैटल ऑफ चोसा। क्या होता है 1539 में, क्या होता है, बैटल ऑफ चोसा। चोसा का युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं हार गया। क्या है, चोसा के युद्ध में कौन हारा भाई, इसी चोसा के युद्ध में हुमायूं हारा। ध्यान रखना, इसी बीच जब शेरशाह की सेना हुमायूं को मारने के लिए दौड़ती हो तो हुमायूं के सामने एक नदी बह रही होती है जिसका नाम था करमनाशा, और उसी करमनाशा नदी में कूदता है और अपनी जान को बचाता है। वहीं पर उसके एक भिश्ती मिलता है, एक बोलते नाविक बोलते जिसका नाम निजाम था, उसकी सहायता से क्या उसने यहां पर अपनी जान बचाई। और यहां पर हुमायूं बोलता है कि मैं जब दोबारा गद्दी पर बैठूंगा तुम्हें याद करूंगा। और दोबारा गद्दी पर बैठने पर उस निजाम को दरबार में बुलाया गया कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे तेरे वाली गद्दी चाहिए। और ऐसा मानते इसी भिश्ती निजाम को एक दिन का भारत का बादशाह बनाया गया था। और ये बादशाह की गद्दी पर बैठते इसको लगा कि मुझे मेरे नाम का यहां पर एक तरीके से क्या है, अपना नामो निशान छोड़ना है ताकि लोग मुझे जाने। इसीलिए इसने उसी समय चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। इसलिए यहां पर क्या, इसने उसी समय यहां पर क्या है, उसी समय इसने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। ध्यान रखना, इसका उल्लेख गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा मिलता है। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। उसके अंदर लिखा हुआ इस भिश्ती को, इस निजाम नाम के व्यक्ति को एक दिन का यहां पर क्या है, एक दिन का यहां पर बनाया गया था क्या, बादशाह। ठीक है, चोसा के युद्ध के बाद सफल होने के बाद शेर खां ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और खुद को शेरशाह की उपाधि दे ली। अपने नाम के खुतबे पढ़वा दिए भाई साहब और अपने नाम के यहां पर क्या है, सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। मतलब गद्दी पर कौन,
गद्दी पर बेटा शेरशाह सूरी, गद्दी पर कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन बात नहीं बनती है यहां पर। हुमायूं इतना आलसी व्यक्ति होता, वो जानता था कि हमेशा जो टेंट लगाने चाहिए वो उछले भागों में लगाने चाहिए, ऊंचाई पर लगाने चाहिए, लेकिन वहां पर बारिश होती है और वो टेंट कहां लगते हैं? निचले स्थानों में लगते हैं। वहां पर क्या है, सिपाहियों को नुकसान झेलना पड़ता है। हुमायूं हमेशा से ही आलकसी रहा, प्रोक्रेस्टिनेट रहा, हमेशा चीजों को भविष्य के लिए छोड़ दिया। ये वही हुमायूं है जो युद्ध लड़ रहा होता और बोलता चलो युद्ध लड़ रहे हैं, 3 दिन का ब्रेक ले लो। सामने वाला हारने को होता फिर बोलता 3 दिन का ब्रेक ले लो। इतने में वो अपनी संगत अपनी शक्तियों को दोबारा संगठित कर दोबारा लड़ने लायक हो जाया करता। ये कमियां किसमें थी? अरे ये कमियां तो हुमायूं में भी थी। किसमें थी कमियां? हुमायूं बेहद ही आलसी अंधविश्वासी था, अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनता था। कौन? यही हुमायूं। सोमवार को सफेद, शनिवार को काला पीला, ऐसे वस्त्र प्रतिदिन अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता। कौन? हुमायूं। 1540 में दोबारा मुकाबला होता है यहां पर। इंदाल और हस्करी की सहायता से बिलग्राम कन्नौज जीतना चाहा, लेकिन हुमायूं की असफलता यहां भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ऐसा मानते हैं शेरशाह ने यहां पर क्या है दिल्ली पर भी आक्रमण कर लिया और यहां पर फिर से सत्ता किसके हाथ में? अफगानों के हाथ में। ये बैटल ऑफ बिलग्राम नहीं, ये बैटल ऑफ कन्नौज नहीं, ये बैटल ऑफ गंगा। ये तीनों एक ही युद्ध के नाम है, गंगा बिलग्राम कन्नौज एक ही युद्ध के नाम है, ध्यान रखना। अरे कन्नौज राम गंगा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। कन्नौज यहां पर क्या है? राम गंगा नदी के तट पर स्थित, ध्यान रखना। ठीक है, हुमायूं की असफलता का कारण यही साम्राज्य का बंटवारा। इसके भाइयों ने कभी इसका अच्छे से क्या है यहां पर साथ नहीं दिया। ऐसा मानते हैं अपने भाइयों के बीच सारी चीजों को बांट लेना इसकी सबसे बड़ी भूल थी, ध्यान रखना। और इसके बाद हुमायूं भाग गया कहां पर? ईरान की तरफ भाग गया। कहां भाग गया? ईरान। विलासिता पूर्ण जीवन, देखो हुमायूं की असफलता एक प्रमुख कारण उसका समय का सदुपयोग न करना था। जिस समय उसे तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी थी उस समय वो आलकसी था। शत्रु पक्ष को सैनिक पूरी तैयारी करने का, बोलो भाई तुम तैयारी कर लो, सामने वाले जो थे दुश्मन तुम तैयारी करो फिर लड़ेंगे। जैसे गुजरात में बहादुर शाह को परास्त करने के पश्चात उसने कहा मैं तो रेस्ट करूंगा, इतने में बहादुर शाह ने दोबारा अपने आप को इकट्ठा कर लिया। वास्तव में वो बेहद ही आलसी लोगों में से एक था। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो गट्स बाबर में थे वो गट्स हुमायूं में नहीं थे, ध्यान रखना। 15 साल के लिए ईरान भटकता रहा, 15 साल के लिए क्या है भटकता रहा। हुमायूं की दुर्बलता, वो बहुत दयालु भी था। क्या था? वो बहुत दयालु भी था, मतलब ऐसा मानते थे दुश्मनी सेना के ऊपर उसका दिल थोड़ा ज्यादा था, है ना। देखो कभी भी उसने क्या है समय के अनुसार कार्य नहीं करा। चौसा के युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर होने के कारण जब वर्षा का पानी शिविरों में भर गया जिसकी वजह से उसे हारना पड़ा, अगले युद्ध में भी क्या उसने इस समय को इस परेशानी को नहीं समझा और दोबारा से उसको हारना पड़ा। अरे दुनिया जानती है भाई, ऊंचाई पर टेंट लगाओगे तो बेनिफिट है, लेकिन भाई साहब ने उस समय भी क्या है गलती को स्वीकार नहीं किया। फिर से वही समस्या, सेम समस्या फिर से। यहां पर क्या है सेम समस्या क्या है फिर से? यहां पर क्या है भाई सेम समस्या क्या है फिर से? हुमायूं का निष्कासित जीवन, आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। इसी बीच 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी होती है और उसके बाद अमरकोट के राजा वीर साल के घर जन्म होता है 1542 में सम्राट अकबर का। तो अकबर को दोनों ही धर्मों का विशेष ध्यान रखना था, था तो इस्लाम से लेकिन उसको पाला हिंदुओं ने था, इसलिए ऐसा मानते हैं अकबर एक मात्र ऐसा सम्राट था जिसको जलाया भी गया और जिसको दफनाया भी गया। जिसको यहां पर क्या है जिसको यहां पर जलाया भी गया और जिसको यहां पर क्या है दफनाया भी गया, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और बताइए अगर कोई डाउट हो तो पूछिए जरा हमसे। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट आप पूछिए, हम आपको जरूर यहां पर क्या है रिप्लाई करेंगे और आप लोगों को अच्छा उत्तर भी हम लोग देंगे।
क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। हुमायूं दोबारा, मतलब लगभग लगभग मान के चलो कि लगभग 15 साल का गैप रहा, मतलब 1540 में हार गया, दोबारा वापसी 1555 में होती है, 1555 से 1556 में, ध्यान रखना, लगभग 15 साल तक। ठीक है, उसके बाद वो जीतना शुरू करता है और अंत में क्या है, उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया, पेशावर पहुंच गया, लाहौर पर कब्जा कर लिया, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, 1540 से लेकर 1545 लगभग 5 साल तक गद्दी पर कौन बैठा, 5 साल तक शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके आने वाले वंशज बेहद ही कमजोर थे, वो सत्ता चलाने लायक नहीं थे, इसीलिए मुगलों को दोबारा एक मौका मिलता है। ये वही शेरशाह सूरी था जिसने कहा था कि कभी अल्लाह ने साथ दिया तो खुदा की कसम मुगलों को देश से बाहर कर दूंगा, उसने बाहर भी कर दिया। उसने यहां पर क्या है, उसने यहां पर बाहर भी कर दिया, ध्यान रखना, बाहर कर दिया किसको, मुगलों को। लेकिन शेरशाह सूरी जो कि 70 साल की उम्र में, उसको एक डांसर पसंद आती, उसको एक नाचने वाली पसंद आती है और उसी नाचने वाली की डिमांड करता है, लेकिन सामने वाला राजा उसको देने से मना कर देता है और सिर्फ उसी डांसर के लिए वो 70 साल की उम्र में युद्ध लड़ता है, सामने वाले राजा के किले को चारों तरफ से घेर लेता है और उसी किले के बाहर वो खड़ा होता है, लेकिन उसके पास एक बारूद का ढेर होता है और वो गोला बारूद के ढेर पर गिरता है और वहीं से क्या है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। मतलब सुंदरता कहीं भी आपको लेकर बैठ सकती, इसीलिए आप थोड़ा सोच समझ कर चलें, ये करियर बनाने का समय है, सुंदरता के गड्ढे में गिरने का समय थोड़ी है ये। यहां पर क्या है, ये यहां पर करियर बनाने का समय है, ये गड्ढे में गिरने का समय नहीं है, इसलिए अपने आप को संभल कर चलें। ठीक है, और अपने जो पूरा फोकस जहां आप लोगों ने लगा रखा है ना मंजिल की तरफ, वहीं पर आप लोग फोकस करें, दाएं बाएं देखेंगे तो जरूर गिरने के चांस रहेंगे। 1555 में लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व सतलुज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं व अफगान सरदार हबत खां और ततर खां के बीच संघर्ष हुआ। यहां पर हुमायूं जीतने में सफल रहा और पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। और अगले ही कुछ समय बाद 1555 में सरहिंद में युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद दो ऐसे युद्ध रहे जहां पर सिकंदर शाह सूर, शेरशाह सूरी का जो वंशज था, उसको हराया गया। यहीं पर हुमायूं के साथ उसका राइट हैंड आता है जिसका नाम बैरम खां, जिसका नाम यहां पर क्या था, जिसका नाम था यहां पर बैरम खां, ध्यान रखना, क्या था बच्चों, बैरम खां ईरान से क्या है यहां पर वापसी करता है, ईरान से क्या है वो यहां पर वापसी करता है, ध्यान रखना। अरे मुगलों में सबसे खूबसूरत बेगम तो नूर जहां थी, जिसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, समझाया जाएगा नूर जहां जो सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक थी, आखिर जहांगीर कैसे उसकी सुंदरता के चुंगल में फंसता और उसको देखते ही वो क्लीन बोल्ड हो जाता है कि अपने को तो ये चाहिए, जबकि जहांगीर को ये पता भी नहीं था कि वो उसी के महल में रह रही थी दासी बनकर। इसी बैरम खां की पत्नी का नाम सलीमा बेगम था, वो उसी की दासी बन के जहांगीर के महल में रह रही थी। एक दिन मीना बाजार नवरोज त्योहार होता है, मीना बाजार स्थान होता है, वहीं पर जहांगीर पहली बार नूर जहां को देखता और देखते ही क्लीन बोल्ड कि अपने को क्या चाहिए, अपने को यहां पर नूर जहां चाहिए, जिसका नाम था मेहरुन्निसा। 1555 के तुरंत बाद क्या है, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और मुगलों कि दोबारा वापसी जो हार गए थे 1556 में, अपने दीनपना में क्या है, अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों में, वो क्या पुस्तकालय में होता है, वहीं पर उसको एक अजान सुनाई पड़ती है, वो नमाज पढ़ने बैठता है और अपने साथी की सहायता से क्या है, वो हाथ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता, लेकिन उसका पांव फिसलता है और ऐसा मानते हैं वो सिर के बल क्या है सीढ़ियों पर जा गिरा। दो तीन दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं का चैप्टर ही क्लोज हो गया, ये हुमायूं का चैप्टर ही क्लोज। इसकी पत्नी जिसका नाम हमीदा बानो बेगम, इसको लेकर विवाद है, जिसका नाम हाजी बेगम भी है किताबों के अंदर, वो अपने मरे हुए बादशाह जिसका नाम था हुमायूं, उसके नाम पर एक मकबरा बनवाना चाहती थी जो उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य बन गया था। आप दिल्ली में जाकर देखेंगे हुमायूं का मकबरा, क्या देखेंगे, हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर 160 से अधिक मुगलों के रिश्तेदारों के अर्थात मुगल सरदारों की कब्रें वहीं पर हैं। ऐसा मानते हैं जन्नत में जाने की 8 रास्ते हैं, जिसको बोलते हैं हस्त ए बहिस्त, 8 अलग अलग यहां पर क्या है
जगहों से उस मकबरे में पानी आता है जिसको मानते हैं कि यही 8 रास्ते हैं जो जन्नत तक आपको लेके जाएंगे। उसी हस्ते बहिष्ट को, उसी जन्नत को हुमायूं के मकबरे के जरिए यहां पर धरातल पर उतारने की कोशिश की है। और वो हाजी बेगम जिसका एक मात्र उद्देश्य अपने पिता, अपने पति बादशाह हुमायूं के नाम को जिंदा रखना था और वो उसके जीवन का एक मात्र उद्देश्य था, उसी के नाम पर क्या है वो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराती है। अकबर को अपना ये दुख भी था कि वो अपने पिता के जीवन को जान नहीं पाया, लेकिन अकबर भी इसके अंदर अच्छी खासी रुचि लेता है और उस हुमायूं के मकबरे को बनवाता है दिल्ली के अंदर। ऐसा मानते हुमायूं का मकबरा निजामुद्दीन औलिया के खानकाह के पास है, जहां पर निजामुद्दीन औलिया अक्सर ध्यान लगाया करते और अल्लाह को याद किया करते। कौन नाम था निजामुद्दीन औलिया, उसी के पास क्या है हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स है, हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स है। मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए जरा। अरे महाराणा प्रताप के ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक बातों को पहुंचाइए, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अरे हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं डिफेंस के नहीं भाई, कार्डियोलॉजिस्ट हम दिल के मरीजों का इलाज थोड़ी करते हैं यार। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और आप लोगों का काम सिर्फ पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा साथ तो दीजिए, चैलेंज करके बोलता हूं कि इतिहास में इस जीएस में एयरफोर्स एनडीए नेवी कभी भी तुम असफल नहीं होगे, हमेशा तुम सफल होगे, ध्यान रखना। हमेशा तुम यहां पर क्या है, हमेशा तुम यहां पर सफल होगे, ध्यान रखना। यू विल डेफिनेटली गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं के दूसरी बार बादशाह बनाऊ वो फिर कहानी उससे खत्म होगी। ध्यान रखना हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। कौन था, मिर्जा गयास बेग था, ध्यान रखना। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा एक जीता जागता एग्जाम्पल है किस प्रकार मुगलों ने जन्नत तक जाने के रस्तों को जमीन पर उतारने की कोशिश की और एक ऐसा नमूना इसकी आर्किटेक्चर का जो आज भी इतिहास में लोग याद रखते हैं कि दिल्ली अगर कभी जाएंगे तो कुतुब मीनार के बाद दूसरी कोई चीज देखने वाली है तो उसका नाम हुमायूं का मकबरा है। ये हुमायूं का मकबरा बाद के मुगल बादशाहों के लिए छिपने की जगह भी रही। आप भूल कैसे सकते हैं 1857 की क्रांति में हडसन नाम का अधिकारी वहां पर छापा मारता और वहां से किसको पकड़ता है, वो वहां से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करता है, बहादुर शाह सेकंड को गिरफ्तार करता है और वहीं से उसके दो लड़कों और एक भतीजे को नंगा करके गोली मारकर खूनी दरवाजे पर टांग दिया जाता है। और ये बहादुर शाह जफर इतना बड़ा अभागा व्यक्ति था कि इसको अपने देश में 2 गज जमीन नहीं मिली और उसको ले जाके म्यांमार के रंगून में डाल दिया गया। उसके यहां पर क्या है, ले जाके म्यांमार के रंगून में उसको डाल दिया गया। और ये इस बात का एग्जाम्पल भी है हुमायूं का मकबरा कि हम अपना देश छोड़कर आए हैं और तथा आगे के समय में यही हमारा देश है, हम यही अपने पूर्वजों के साथ यही बसेंगे और यही रहेंगे। ये बात किसने बताने की कोशिश की, ये बात मुगलों ने साबित करने की कोशिश की कि आगे से हमारा देश हिंदुस्तान है और यही हम रहेंगे, यही हम मरेंगे और यही हम जिएंगे। किसने, ये हुमायूं के मकबरे के जरिए लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए और एक पत्नी का अपने पति बादशाह को एक अमूल्य भेंट थी हुमायूं का मकबरा। आप लोगों ने सुना होगा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था, लेकिन उससे पहले कहीं एक बेगम ने अपने पति बादशाह की याद में क्या है इस हुमायूं के मकबरे को बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। हुमायूं का मूल्यांकन मैंने आपको बताया, ऐसा मानते हैं एक लेखक लेनपुन कहता है, लेनपुल क्या कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और वो क्या है लड़खड़ाते हुए मर गया। ऐसा मानते हैं ये अत्यधिक ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, खासकर कि रविवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफेद रंग पहनना नहीं भूलता था। कौन, हुमायूं यहां पर। ठीक है, हुमायूं
अब उसके बाद है बेटा शेरशाह सूरी। 5 साल में इस व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े करने, जो बड़े बड़े सूरमा थे वो नहीं कर पाए विद इन फाइव ईयर। शेरशाह सूरी जिसने सूर वंश की स्थापना की, ये सेकंड अफगान था, ध्यान रखना। पहला तो लोदी डायनेस्टी थी, पहला तो लोदी वंश था। और दोबारा अगर अफगानों की तूती भारत में बोलती है तो उसके पीछे का राज ये व्यक्ति जिसका नाम था शेरशाह सूरी। जिसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी, जिसने वो कर दिखाया जो औरों के बस की बात नहीं थी। 1472 में ये पैदा होता है और मान के चलना कानूनगो बनता है 1486 में। और इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम फरीद था। कई किताबों के अंदर कुछ और लिखा है तो ये विवादास्पद है, इसको ज्यादा सोचने की आपको बात नहीं है, ध्यान रखना। पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको अंग्रेजी भाषा में पढ़ाऊंगा क्या ये शेरशाह सूरी, जिसको आज भी हम लोग क्या है यहां पर हम फॉलो करते हैं। देखो, शेरशाह सूरी भारत में सूर राजवंश का संस्थापक था। 1472 में पैदा हुआ, लेकिन कई किताबों में लिखा 1486 में नारनौल परगने में हसन का सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। पिता को सासाराम और खवासपुर की जागीरें प्राप्त थी। शेरशाह ने अपने बचपन में ही कह कर्तव्य दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि ये किसी का विश्वास पात्र भी नहीं था, इसने मौके को देखकर हमेशा ही चौका मारा। जिस तरफ अधिक बल दिखा वही हो लिया, मतलब कभी किसी का साथ दिया, कभी किसी का साथ इसने क्या है छोड़ दिया। शेरशाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्या है वो दौलत खां की सेवा में क्या है वो आगरा चला गया। 1522 में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहां नुक्त हुआ। यहीं पर शेरशाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी ने उसका नाम शेर खां रखा और अपने पुत्र जलाल खां का उसे बॉडीगार्ड बना दिया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हुआ, मुगलों के साथ लड़ा। देखो कमाल की बात नहीं है, मुगलों के साथ हो लिया। 29 में घाघरा के युद्ध में वह महमूद लोदी के साथ हो लिया, किंतु लड़ने की बजाय उसने निष्क्रिय रहने का संदेश दिया। इसी समय बाबर ने हुमायूं को इससे बचने की सलाह दी थी। इसी समय क्या है बाबर ने क्या कहा था? इससे बच के रहो। क्या है? इससे बच के रहो भाई, कहा था। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया और यहीं से उसे उपाधि मिली शेरशाह सुल्तान ए आदिल। यहीं पर उसको टाइटल मिला। यहीं को क्या है? उसको यहां पर टाइटल मिला, शेरशाह सुल्तान ए आदिल का टाइटल यहां पर उसको मिला, ध्यान रखिएगा। हुमायूं द्वारा अपने खोए हुए क्षेत्रों की दोबारा से युद्ध होती है। 1540 में फिर से वो क्या हुमायूं को हराने में कामयाब रहा और इसके बाद तो भाई साहब मुगलों का चैप्टर ही क्या कर दिया, मुगलों का चैप्टर ही क्लोज। 1540 में शेरशाह का दिल्ली पर और क्या है आगरा पर अधिकार हो गया। 68 वर्ष की आयु में 1540 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसी प्रकार उसने 1540 में क्या है सूर वंश अथवा द्वितीय अफगान सल्तनत की साम्राज्य की स्थापना की। पहले अफगान शासक के रूप में बहलोल लोदी को याद करते हैं और दूसरे के रूप में इसको याद करते हैं। किसको? शेरशाह सूरी को हम लोग याद करते हैं, शेरशाह सूरी। देखो बचपन से इसको युद्ध लड़ने का जबरदस्त एक्सपीरियंस था, ऐसी बात नहीं थी, मतलब किसने कमाल का काम किया। 1541 में गखर जाति से इसका युद्ध हो गया, जिसे शेरशाह उनकी शक्ति को खत्म तो नहीं कर सका, परंतु रोकथाम करने के लिए क्या उसने एक रोहतासगढ़ नाम का किला बनवाया। गखर लोग अपनी वीरता व साहस के हेतु प्रसिद्ध थे, वह लूटपाट करते थे, गखरों को रोका इसने। मालवा का अभियान इसने चलाया, ध्यान, क्योंकि उस समय मालवा कमजोर बिखरा हुआ था। रायसीन का अभियान इसने चलाया, वहां पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूर्णमल को मार डाला। पूर्णमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और ये ऐसा मानते हैं रायसिंह की घटना शेरशाह की बहादुरी के ऊपर एक कलंक था, क्योंकि उसने धोखे से क्या है पूर्णमल को मार डाला था, उनकी स्त्रियों को हड़पने की कोशिश की, लेकिन वहां पर राजपूत स्त्रियों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने आप को जोहर कर लिया, आग लगा ली या फिर जहर खा लिया गया राजपूत स्त्रियों के द्वारा। वो नहीं झुकी इन लोगों के आगे, वो यहां पर क्या है वो नहीं झुकी। राजपूतों का इतिहास तो सच्ची में ही वीरता और गौरवपूर्ण रहा है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है
कि वहां के लोग वीर और लड़ाके थे, जिन्होंने कभी भी क्या है झुकने का नाम नहीं लिया, और राजपूतों में राणा सांगा और महाराणा प्रताप, जिसने कभी अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, जिसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा लेकिन वो कभी मुगलों के हाथ आया नहीं, और अकबर को इसी बात का मलाल था कि वो उसको पकड़कर मृत्युदंड नहीं दे पाया। ठीक है, उम्मीद है आ जाना चाहिए पहले एनरोलमेंट। ठीक है भाई, चलिए शेरशाह सूरी का जिक्र चल ही रहा है, मारवाड़ का अभियान। शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, सारा पश्चिम और उत्तर राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया था। मालदेव ने जैसलमेर के भट्टियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया। ऐसा माना जाता है कि सबसे कठिन अभियान यही था। सबसे क्या है, सबसे कठिन अभियान। इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुंभा ने वीरता का प्रदर्शन किया। अंत युद्ध में विजय के लिए शेरशाह सूरी ने कूटनीति का सहारा लिया। मतलब इतना आसान नहीं था शेरशाह सूरी के लिए राजपूतों को हरा देना। पूरन मल को हराने के बाद उसकी छवि को कलंक लग गया था, मतलब उसने कलंकित होने वाला काम किया। 1545 में ये वही कालिंदर का आक्रमण है जहां उसका अंतिम अभियान था। ऐसा मानते हैं शेरशाह ने कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कालिंदर पर आक्रमण किया, जिसे कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया। भारत में वो बादशाह जिसने मुगलों का चैप्टर क्लोज कर दिया, वो एक डांसर के ऊपर फिदा हो गया। इतिहास है, सोच समझ के पढ़िए और सबक लीजिए। क्या है, सोच समझ के पढ़िए और सबक लीजिए। कालिंदर अभियान के दौरान शेरशाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। उसी दौरान किले की दीवार से टकरा कर एक गोला उसके पास रखे बारूद के पास जा गिरा, और वहीं पर क्या उसकी मृत्यु हो गई। यार क्या कहें, ऐसा वीर इस प्रकार मारा गया। सुंदरता वाक्य में ही एक गड्ढा है। अगर अपने चरित्र को मजबूत नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको हार का सामना करना पड़ेगा और आपको लज्जित भी होना पड़ सकता है। इसीलिए बच के रहिएगा और अपने आप को आगे बढ़ाइए, जरूर सफलता आपका वेट कर रही है। इसी के साथ मैं इस क्लास को खत्म करता हूं, जहां हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी के किस्सों को पढ़ा जो कि एग्जाम में आमतौर पर आते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस एक ही है, जिसको इतना होश के उतना शेयर कीजिए, बाकी तो मैं आप लोगों के लिए खड़ा ही हूं। जितनी आप हमें सपोर्ट करेंगे उससे कहीं दुगना सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, और थोड़े ही समय में हम मैथ और रीजनिंग के कोर्सेज भी क्या है आप लोगों के लिए शुरू करेंगे, ताकि आपको कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। बिना पैसे के निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य रहा है डिफेंस गुरु जी का। आप ऑफलाइन भी हमसे पढ़ने आ सकते हैं और निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। मेहनत कीजिए और उन लोगों को जो आपकी नाकामयाबी के इंतजार में बैठे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को साथ लेकर उन लोगों को हम इंतजार ही करने देंगे, उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होने देंगे। ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।